Dear students, welcome you all in a lecture series of nuclear physics. Students, मैंने आपको first lecture में syllabus का intro दिया था कि आपके syllabus में चार unit है, जैसे कि मैंने यहाँ mention किया हुआ है, और हम अपने first unit को study कर रहे थे. आज उसी unit का हम last lecture study करेंगे. Means आज unit one जो है वो आपका complete हो जाएगा. वैसे मैंने आपका सिलेबस तो प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया था, बट आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ सभी टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और पॉपुलर क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस यूनिट में, या प्रीवियस एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और फिर आज इस यूनिट का सम अप करके इसको फिनिश कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट सेकेंड को हम स्टार्ट करेंगे. गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हमने यूनिट वन में किन किन कंटेंट्स को डिस्कस किया था. मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं सभी टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. अब थोड़ा सा इसमें रिव्यू ले लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनने वाला है. न्यूक्लियर कंपोजिशन में आपने दो हाइपोथेसिस पढ़े थे, नंबर वन प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, नंबर टू प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. तो इन दोनों हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन अक्सर बनता है. सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दो किसी भी हाइपोथेसिस की. बाकी जो कंसेप्चुअल बनते हैं वो इस टाइप से बन जाता है कि क्यों हमने प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड किया, या प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के क्या सक्सेस हैं. तो वहां पे आपको पॉइंट वाइज उन चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना. फिर मैंने आपके साथ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे चार्ज, मास, डेंसिटी, क्वाड्रपल मोमेंट, पैरिटी, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी यहाँ पे. तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखा गया है कि डायरेक्ट ऐसे आ जाए कि आप न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करो. इसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज सारी की सारी नहीं आती, क्योंकि वो लेंथ वाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न, जहां तक मैंने आपके पेपर एग्जाम देखे हैं, या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सभी प्रॉपर्टीज एक साथ नहीं आएंगी. जैसे चार्ज, मास, डेंसिटी, इन प्रॉपर्टीज की इतनी लेंथ नहीं बनती, तो वो कंबाइन में आने के चांस ज्यादा रहते हैं. सेपरेट क्वेश्चन जो देखा गया है वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम पे बहुत बार देखा गया है, जो मतलब 5 या 6 मार्क्स तक बन जाता है. ठीक है, और पैरिटी पे भी क्वेश्चन देखा गया, बट वो 4 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आता. तो पैरिटी को आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो. क्वाड्रपल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड स्टैटिक्स, इनके हाई मार्क्स के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, मींस 5 और 6 मार्क्स के भी, और साथ में कोई क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाएगा साथ में. फिर उसके बाद बात आती है न्यूक्लियर मास, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी. तो इसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपके इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आप पिछले एग्जाम्स उठाकर देख लो, बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन करना आ रहा हो, चाहे उस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ रहा हो. ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप काफी अच्छे से कर लेना. रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग का सबसे आसान जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो, और कंसेप्चुअल में बनेगा तो एक आपने इसमें ना एक्सपेरिमेंट करते वक्त पढ़ा था, डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. कई बार सिर्फ उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन आ जाता है, या उसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आप थोड़ा सा उसको भी ध्यान रख लेना. फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टूडेंट्स बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड बेनब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ. ये दोनों स्पेक्ट्रोग्राफ ही इंपॉर्टेंट हैं, और पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पिक होगा, चाहे वो यहाँ से पिक हुआ चाहे यहाँ से. ये 8 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना. मैंने आपको इनपे अलग अलग सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, और आपने सेम इंस्ट्रूमेंटेशन को बहुत अच्छे से लिखना है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, क्योंकि 2 मार्क्स में कई बार सेपरेटली पूछ लिया जाता है कि किसकी क्या एडवांटेज है. और एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये जो हमने किया, इसको डबल फॉक्सिंग क्यों कहते हैं. तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखना. फिर मोजले लो की बात आती है, तो मोजले लो कई बार डायरेक्ट नेम से आता है, कई बार इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकल भी बनता है, या फिर ये एक्सरे स्पेक्ट्रा के नाम से आएगा.
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। बाकी अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से समझा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई डिफिकल्टी होगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और जिस भाषा में पूछा जा रहा है आप उसी में आंसर दीजिए। ये नहीं है कि आपसे पूछा ये जा रहा है कि एडवांटेज क्या है बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, और आप पूरा बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ लिख के आ रहे हो। इट्स नॉट अ वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, वो जो भी पोर्शन आपसे पूछ रहा है आप उसी पोर्शन की बात कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको जितना पता है आप उतना बताओगे, नहीं, क्वेश्चन में जितना पूछा गया है आपने उतना ही बताना है, और जो जिस वेटेज से पूछा गया उस अकॉर्डिंग अपनी लेंथ का भी आपने ध्यान रखना है। गॉट माय पॉइंट? तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में कुछ फॉर्मूलाज का डिस्कशन करूंगी स्टूडेंट्स, जो यूनिट वन को करते टाइम हमने फॉर्मूलाज थ्योरी में भी कर रहे थे तो उनकी डेरिवेशन आई, उनका यूज हुआ, हम उन फॉर्मूलाज को समअप करके रख लेंगे ताकि एग्जाम टाइम में हमें कोई दिक्कत ना हो, और उन पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल भी मैं आज आपको करवा दूंगी। बट आपने जिस भी बुक का आप रिव्यू ले रहे हो उस बुक में जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने करने हैं। जैसे बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, मास डिफेक्ट पे भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। इस तरह दो तीन फॉर्मूलाज हो रहे हैं जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, उन पे क्वेश्चन काफी बार बनता है और 3 से 4 नंबर की वेटेज होती है उस क्वेश्चन की, तो आप उसको लाइटली नहीं लेना, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये मैंने समरी सम अप किया है, मतलब फर्स्ट यूनिट में जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं उनके, इन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो आप पहली बात तो इन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है, मींस आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, और लर्न में आपको क्रैम नहीं करना, आप उन पे न्यूमेरिकल करो, वो अपने आप ही आपको माइंड में सेट हो जाता है कि फॉर्मूला इस टाइप से है, ठीक है। मींस प्रैक्टिस पे बेस ही आपने इन फॉर्मूलाज को लर्न करना है। डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा न्यूक्लियर रेडियस, ये आपको ध्यान हो तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज करते टाइम पे साइज ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइन करते टाइम हमने ये रिलेशन की थी, R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 फर्मी। यहाँ पे ए मास नंबर है, आर नॉट आपके पास एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू या तो आपको न्यूमेरिकल में प्रोवाइड होगी, अदरवाइज आपने आर नॉट की वैल्यू यूज करनी है 1.3 फर्मी। गॉट माई पॉइंट? इस पे बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है कि आपको कोई भी एलिमेंट दिया होगा और उसका मास नंबर आपको पता होगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके न्यूक्लियस का रेडियस बताओ, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके न्यूक्लियर रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हैं 2 या 3 नंबर में आपको मिल जाएंगे, 2 और 3 मार्क्स में अपने एग्जाम में आप देख सकते हो। और प्रॉपर्टीज करते टाइम ही हमने डेंसिटी की भी बात की थी कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग सेम होती है, पर कई बार इस पे न्यूमेरिकल फिर भी आ जाता है, तो आपको डेंसिटी का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला जो आपने किया वही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इस पे भी मैं आपके साथ अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी। उसके बाद मास डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से निकाला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, और ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स अगर मास केजी में दिया है देन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी, इफ मास इज प्रोवाइडेड इन एएमयू देन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल इसके किए भी हैं, जब मैं आपके साथ बाइंडिंग एनर्जी कर्व को डिस्कस कर रही थी मैंने वहां पे आपको 2 न्यूमेरिकल करवाए थे। फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आपको निकालनी आनी चाहिए, यहां तक प्रोसीजर सेम चलेगा, बस जो बाइंडिंग एनर्जी का आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको मास नंबर से डिवाइड कर दो तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आ जाएगी। और डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आइडिया जो वो आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग से निकाला था, वहां पे न्यूक्लियस पे आप अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवा रहे थे और वहां से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। मैंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का लिख दिया है, बट न्यूमेरिकल्स के टाइम ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि न्यूक्लियस पे ड्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, या न्यूक्लियस पे प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहा है, देन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो उस टाइम पे आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि इट इज अ स्पेशल केस, ये अल्फा पार्टिकल्स के लिए है, तो आप वहां पे बेसिक अपना यूज करो फॉर्मूला जो हमने इसकी डेरिवेशन के टाइम पे किया था कि जिस भी पार्टिकल को आप इंसिडेंट कर रहे हो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है उसको इक्वेट कर दो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, क्योंकि
डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले पॉइंट पे उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। बस वहां से ही आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। बस ज्यादा चेंज नहीं आएगा, चार्जेस के चेंज आएगा। जैसे अगर आप प्रोटॉन ले रहे हो तो चार्ज प्लस ई होगा, इंसिडेंट पार्टिकल जो भी आपका। अगर वो न्यूट्रॉन है तो प्लस ई होगा, अगर वो अल्फा पार्टिकल है तो प्लस टू ई होगा चार्ज। तो चार्ज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी बेसिक आपका सेम रहेगा। उसके बाद आपने स्पेक्ट्रोग्राफ किया, वहां पे हमने वेलोसिटी सिलेक्टर भी यूज किया था बेन ब्रिज में, तो V इज इक्वल टू ई बाय बी। कई बार इस पे भी फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए भी आ जाता है। और तो इसको भी हमने करना है अभी डिस्कस, मैं आपके साथ न्यूमेरिकल अभी करूंगी इसका भी। और फिर रही बात मोज़ले लॉ की, तो मोज़ले लॉ में फ्रीक्वेंसी निकालने के भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जैसे फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर के अल्फा लाइन, एल अल्फा लाइन। तो वहां पे आप इस फॉर्मूला को यूज करके एमिटेड एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज को आपने ध्यान रखना है, और इन पे बेस्ड मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, और आपने इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। और आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे हो उस बुक में जितने भी सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके इस थ्योरी के एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, बाकी आगे आप जो भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे वहां पे भी आपको न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी होते हैं करने, तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं वन बाय वन हर फॉर्मूला पे बेस्ड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस बेसिक से फॉर्मूला पे आपको एक न्यूमेरिकल बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। पहले आप न्यूमेरिकल को देखो, कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, मींस आपको दो न्यूक्लियस प्रोवाइडेड है और आपने इन दोनों का रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक आपके पास है कार्बन 12 और एक है गोल्ड 197। मैं आपको कार्बन का करवा के दिखाती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से करना है, आप गोल्ड का खुद ट्राई करना। तो ये देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ही आपको प्रोवाइडेड है, आपको सिर्फ मास नंबर की जरूरत है। अगर आर नॉट की वैल्यू दी है, प्रोवाइडेड है न्यूमेरिकल में, देन इट्स ओके, अदरवाइज यू विल यूज 1.3 फॉर मी। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, कार्बन 12 के लिए आपने करना है आर नॉट की वैल्यू 1.3, और कार्बन का मास नंबर आपको पता है 12 होता है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.3 फॉर्मी। आप चाहो तो इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 फॉर्मी इज इक्वल्स टू 10^-15 मीटर, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। आप, मैंने आपको ये कार्बन का फाइंड आउट करके बताया है, आप गोल्ड 197 का खुद से करके देखना ट्राई। और इस बात को ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से, उसमें दोनों चीजों को सेपरेट करो, क्या क्या, नंबर वन आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड है, नंबर टू आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन की 80% चीजें अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाती है, कि कोई भी न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को आप रीड करो, उसके बाद जो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, जो वैल्यूज, जैसे यहाँ मास नंबर है गिवन है आपको, ठीक है, उनको सेपरेट रखो, और जो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है उनको सेपरेट, उसके बाद आप फॉर्मूला को ट्राई करो कि आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और फिर उसमें उसकी वैल्यूज को पुट करके आप सिंप्लीफाई करके उसका आंसर फाइंड आउट करो। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, गोल्ड 197 का आप खुद से फाइंड आउट करना, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डेंसिटी की बात करती हूँ कि हमें डेंसिटी निकालनी है न्यूक्लियस की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले आप प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए। मास ऑफ द आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 amu, means आपको मास प्रोवाइडेड है, एंड मास नंबर 56, फाइंड इट्स न्यूक्लियर डेंसिटी। तो अब स्टूडेंट्स, आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये आता है कि वॉल्यूम, आप जो न्यूक्लियस लेते हो वो मोस्ट ऑफ आप उसको स्फेरिकल शेप में लेते हो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 πr³ ही होता है। अब बात आती है कि मास ऑफ न्यूक्लियस, अब ये जो मास आपको दिया है ये amu में दिया हुआ है, इट मींस आपको इसको चेंज करना है, क्योंकि अगर आप डेंसिटी को ऐसा यूनिट में निकालना चाहते हो kg मीटर क्यूब में, तो आपका मास भी kg में होना चाहिए। तो हमने इस रिलेशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, 1 amu is equals to 1.66 into 10^-27 kg। तो अगर आप इसको
इस यूनिट से या इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जो मास है ये केजी में आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम में आपने लिख दिया 4/3 πr³, और अभी आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा कि r की वैल्यू क्या होती है, r नॉट a के पावर 1/3, आपको r क्यूब की चाहिए, तो उसी रिलेशन को यूज करके मैंने लिख दिया r नॉट क्यूब इंटू में a, और r नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, अभी आपने रिसेंट यहाँ पे यूज की है वैल्यू, आर नोट की वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और ए की वैल्यू आपने 56 रख देनी है। गॉट माय पॉइंट? तो अब आप इन सभी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। मैंने इस 3 को न्यूमरेटर में रख दिया और ये वाली टर्म्स एज सच 4, पाई की वैल्यू 3.14 हमने पुट कर दी, देन आर नोट भी हम पुट कर चुके हैं और 56 भी। अब ये देखो R नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी में थी, अगर आप यहाँ पे सब कुछ मीटर और मींस SI यूनिट में ले रहे हो तो आपको उसको 10^-15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन यूनिट्स का ध्यान रखना न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसी वजह से कई स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मास को SI यूनिट में ले रहे हो और इसको फर्मी में ले लिया आपने, या तो सभी के SI यूनिट लो या सभी के CGS लो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.29 × 10^17 kg/m³। इसमें जो है मिस्टेक इस वजह से हो जाती है अगर हमने प्रैक्टिस ना की हो तो, क्योंकि आप देख रहे हो कि फॉर्मूला तो इजी है बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है पावर्स का भी कि किस तरीके से करना है। जब प्रैक्टिस नहीं की होती तो कई बार हमने स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में भी देखा है कि वो बड़ी सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे 10^-15^3, उनको ये भी ऑपरेट करना नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो, ठीक है। तो अगर आपको भी प्रैक्टिस करने पे या सॉल्व करते टाइम कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी आपने इस चीज को खुद सॉल्व करके ही देखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखा ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया तो हो गया, ऐसे करने से कभी भी न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो अब मैं आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रही हूँ स्टूडेंट, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, इस पे बेस्ड हम करते हैं। देखो आपको बोला है कैलकुलेट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी इन अ गिवन रिएक्शन, और आपको ये चीजें प्रोवाइडेड है। तो आपको पता है मास डिफेक्ट निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एमपी एमएन आपको गिवन है, मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए होता है आपको, और जेड और ए माइनस जेड चाहिए होता है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी न्यूट्रिनो है, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं, तो आपको जेड ए माइनस जेड के बारे में बौद्ध होने की जरूरत नहीं है। जब रिएक्शन में एटम्स प्रोवाइडेड हों उस टाइम पे आपको जेड और ए माइनस जेड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब तो आपको पता है मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा, कि रिएक्टेंट का मास देख लो कि रिएक्टेंट में क्या चीजें हैं और प्रोडक्ट में क्या चीजें हैं, उनके मास में जो डिफरेंस आएगा दैट इज मास डिफेक्ट। तो यहाँ न्यूट्रॉन है, आपने एम एन ये ले लिया, और प्रोडक्ट में आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के मास को सम अप करके आपने यहाँ से मास डिफेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी है, तो अब इस चीज को ध्यान रखो, मैंने आपको पहले ही कहा है अगर मास केजी में प्रोवाइडेड है देन यूज दिस फॉर्मूला, दिस और दिस बोथ आर सेम, अगर मास एएमयू में है देन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मास केजी में है तो मैंने इसी फॉर्मूला का यूज किया और उसके बाद इस एनर्जी को निकाल लिया, ठीक है। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इस मास को पहले एएमयू में चेंज कर लो उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने बाइंडिंग एनर्जी का फाइनल रिजल्ट किस यूनिट्स में निकालना है। बट आप चाहे इस मेथड से निकालो या इससे निकालो, आपका आंसर सही होना चाहिए और यूनिट्स आपने सही लगानी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये एसआई यूनिट में है, सी की यहाँ पे यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, स्पीड है ही, एसआई यूनिट में पुट करते हो ना 3×10^8, तो आपने उस टाइम पे मास केजी में रखना है, और यहाँ पे आप एमईवी में आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है तो इस टाइम पे मास एएमयू में होता है, तो आप यूनिट्स का ध्यान रखते हुए फॉर्मूला यूज करो, बाकी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करते हो तो, चाहे फॉर्मूला ये यूज करो चाहे ये यूज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने काफी मतलब बुक्स में देखा है इस क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। व्हाट इज द डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अ 2 MeV प्रोटॉन टू अ गोल्ड न्यूक्लियस,
अभी मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस करते टाइम भी आपको बताया था कि अल्फा स्कैटरिंग करते टाइम गोल्ड न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, बट न्यूमेरिकल में आपके पास न्यूक्लियस भी कोई भी हो सकता है और इंसिडेंट पार्टिकल भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो गोल्ड न्यूक्लियस आपको प्रोवाइडेड है, उसके ऊपर प्रोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आपको डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। यहां तक हमें क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वो बोल रहा है, हाउ डज दिस डिस्टेंस कंपेयर विद डोज फॉर अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम एनर्जी। फिर वो बोल रहा है कि यही डिस्टेंस जो है, अगर हम कंपैरिजन करें कि प्रोटोन की जगह ड्यूट्रॉन डालेंगे तब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल डालेंगे तब इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, अगर एनर्जी सेम रखनी है। फर्स्ट पहले प्रोटोन डालो, सेकंड ड्यूट्रॉन डालो, थर्ड अल्फा पार्टिकल डालो, तीनों के लिए डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कंपैरिजन करो। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि हमने प्रोटोन डाला है गोल्ड न्यूक्लियस पे, तो उसके लिए डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R। अब R के प्लेस में D लिख रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। गॉट माय पॉइंट। अब आपको वो बोल रहा है कि उसकी इनिशियल एनर्जी 2 MeV है, तो इनिशियली तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है, मींस हाफ MV नॉट स्क्वायर की वैल्यू 2 MeV है, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हो गया। अब आप यहां से देखो तो Q1 चार्ज और Q2 जो है वो उन दोनों पार्टिकल्स के चार्ज हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है दो पार्टिकल, एक प्रोटोन है और एक गोल्ड न्यूक्लियस है। प्रोटोन पे चार्ज होता है प्लस ई, और गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, जेड ई ले लो एक बार आप, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बन गई, जेड ई स्क्वायर। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है गोल्ड के लिए 79 पुट करना होगा, E की वैल्यू भी आपको पता है, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू भी पता होती है, एमवी नॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है हाफ एमवी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो एमवी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इस तरफ आ जाएगा। और अगर आप इसको जूल में चेंज करना चाहो तो 1.6 × 10⁻¹³ से इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक MeV जो होता है वो 1.6 × 10⁻¹³ के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज आ गई और मैंने यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है और ये SI यूनिट्स में है, मीटर में है, इसी वजह से मैंने इस एनर्जी को भी SI यूनिट जूल में चेंज किया था। स्टूडेंट्स यूनिट्स का आप बार बार ध्यान रखना, वहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास प्रोटोन के लिए तो D की वैल्यू आ गई है, अब मान लो ड्यूट्रॉन के लिए निकालनी है तो आप सेम प्रोसीजर करोगे, चेंज कहाँ आएगा कि चार्ज कितना है, और तो सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि एनर्जी सेम है उसकी। तो चार्ज की बात करो तो ड्यूट्रॉन पे भी प्लस ई चार्ज होता है, तो सारी रिलेशन सेम आएगी। तो ये कह सकते हो चाहे प्रोटोन गोल्ड न्यूक्लियस पे जाए चाहे ड्यूट्रॉन गोल्ड न्यूक्लियस पे जाए, उसका डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू सेम आएगी। फिर बात करो अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है प्लस 2e, ई नहीं होता सिर्फ, तो मींस यहाँ पे e के प्लेस पे प्लस 2e आएगा, तो यहाँ पे आपके पास हर फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा। तो ये कह सकते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अल्फा पार्टिकल के लिए डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू आ जाएगी। गॉट माई पॉइंट। ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आप चेक भी करना, 3 से ये कह दो कि 3 to 4 मार्क्स तक ये न्यूमेरिकल आते हैं, और अगर आप इसको सही से करके आते हो तो इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट आए आपको आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने न्यूमेरिकल लिया बेन ब्रिज पे, तो आप पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से देखो। इन अ बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इन अ वेलोसिटी सिलेक्टर इज 0.510 टेस्ला। मींस बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जो आप वेलोसिटी सिलेक्टर यूज करते हो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ठीक है। और आयंस की स्पीड भी गिवन है जो वहां से
क्रॉस होके आपको मिलेंगे। अब वो पूछ रहा है कि उस वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, तो साफ सी बात है वेलोसिटी सिलेक्टर का ये फॉर्मूला यूज करो, v इज इक्वल टू e बाय b। आपके पास v की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, आपको e फाइंड आउट करना है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से उसमें और कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको e और b दिया हुआ है। अब वो बोले कि बेनब्रिज में जब पार्टिकल फोटोमीटर पे स्ट्राइक करते हैं उस टाइम पे इतनी फील्ड है और इतने डिस्टेंस पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो चार्ज टू मास रेशियो निकालो। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी ये 3 मार्क्स में मैंने देखा है एक एग्जाम में, तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना। मोज़ले लॉ पे बेस्ड भी स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि आपको कॉपर के लिए फ्रीक्वेंसी फॉर के अल्फा लाइन ऑफ अ कॉपर इज, मींस आपको कॉपर एलिमेंट के लिए के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि आपको लैंथेनम के लिए के अल्फा लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है और बी की वैल्यू आपको 1 प्रोवाइडेड है। तो पहले आप मोज़ले लॉ का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, ये चीज होती है ए जेड माइनस बी होता है, बट आपको प्रोवाइडेड है कि बी की वैल्यू 1 लेनी है, देन यू कैन टेक इट 1। ठीक है, अब आपको एक के लिए गिवन है, कॉपर के लिए आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है, आपने लैंथेनम के लिए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की वैल्यूज गिवन है, तो आप यहाँ पुट कर सकते हो। जैसे लैंथेनम के लिए 57, कॉपर के लिए 29, इसको सॉल्व करोगे तो 56A, इसको सॉल्व करोगे तो 28A। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया स्क्वायर रूट को हटाने के बाद। अब आपको फ्रीक्वेंसी कॉपर की पता है, तो आप इसको यहाँ पर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब कॉपर की फ्रीक्वेंसी को पुट करो, इसको सॉल्व करो, तो आपके पास लेंथेनम के लिए भी के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरीके से कई बार कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैंने यहाँ तक स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंग सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश की है। आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस भी करो इनकी, और भी कि जिन अलग अलग बुक से आप पढ़ रहे हो वहां से भी सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल करो इन टॉपिक्स पे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। पर न्यूमेरिकल्स करने आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, और न्यूमेरिकल्स जो है वो मैथमेटिकल होने की वजह से सिक्योरिंग भी होते हैं, मींस आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज करने में काफी हेल्प करेंगे आपकी। तो इन चीजों को आप कर लेना स्टूडेंट्स। अब मैं बात करना चाहूंगी आपके साथ प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस की जो मैंने सम अप किए हैं, जो आपके पिछले एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट, ये भी प्रीवियस एग्जाम में CDLU के देखने को मिला है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट करेक्ट बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन। इस टाइप से क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन जाता है। डेफिनेशन पूछी आपसे न्यूक्लियर स्पिन की, उसकी अलाउड वैल्यूज पूछी गई हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं ये पूछा गया है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग बेनब्रिज जॉर्डन डबल फॉक्सिंग की और उसकी मेन एडवांटेज, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है पेपर में। ये देखो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालने का, इसको आप सॉल्व करके देखना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाट वाज द रीजन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन वर एज्यूम्ड टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस एज इन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और आपको इनका बहुत ही स्टिक आंसर देना होता है, मींस क्लियर कट, उसको घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी रीजन है उसको आप एक या मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके 2 मार्क्स में आया हुआ होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना होता है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्टैटिक्स, न्यूक्लियर डायपोल एंड क्वाड्रपल मोमेंट्स। मैंने आपको इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये प्रॉपर्टीज अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो इन पे शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाता है और कई बार कंसेप्चुअल भी बन जाता है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से कर लेना। और उसके बाद यही आया, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं कि जॉर्डन का पूछ लिया जाए या बेनब्रिज का, ऐसे चांस ज्यादा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जो आए हुए थे। मैंने यहाँ वेटेज नहीं लगाई कि कौन सा 2 में आया था, कौन सा 8 में आया था, ये सिर्फ जस्ट आपको आइडिया के लिए है
कि यूनिट वन में किस टाइप से क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं। अब आपका यूनिट वन मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है, आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लो। पहले टॉपिक्स को अच्छे से करो, फिर न्यूमेरिकल्स को, फिर इन क्वेश्चंस पे आओ और क्वेश्चंस को करके देखो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूक्लियर रेडिएशन डीके प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। गॉट माय पॉइंट? थैंक यू।